Welcome back friends to the part 3 of this video. It is about Pokhara sightseeing. So, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो. अभी यहाँ पे यही तो पैलोक का बोटिंग है. यहाँ पे पूरा यहाँ से ही जाना पड़ेगा. एकदम सामने था लेकिन गूगल मैप में जब नेविगेट किया तब दिखा रहा है 1 घंटे का रास्ता. क्या बकवास है. कभी कभी टेक्नोलॉजी भी साथ नहीं देता है. अभी हम लोग निकले हैं जस्ट लेक की तरफ जा रहा है. फेवा लेक जगह तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर है देखने का. चारों तरफ बहुत अच्छा. पूरा सजा हुआ है आप देख पा रहे हो सब. दोस्तों अभी हम लोग फेवा लेक में सफर कर रहे हैं. बोट लिए 3 जन का है 640 रुपया मतलब नेपाली करेंसी. अभी देखेंगे तो इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 500 रुपीज़ करीब आएगा. बिकॉज 100 रुपये 160 रुपये का बराबर है. तो बहुत अच्छा है नज़ारा. चारों तरफ पहाड़ है. पानी एकदम काला सा है पूरा. आज धूप भी है तो मजा आएगा घूमने में. तो फेवा लेक में जा रहा है. ये जो जर्नी है ये है ऐसा ही जैसे कि मैंने बताया 640 रुपए यहाँ का. एक एक जन का कितना आता है भैया. एक जन का सिंगल आप सिंगल आन जाने के वही 600 रुपए है बोट का. अच्छा एक बोट का 600 लेता है ना. अच्छा जाकर के एक्स्ट्रा 10-10 रुपए लेता है. ओ अच्छा बोट मतलब बोट का 600 रुपया और एक एक आता है इसमें. हाँ
अभी जाके थोड़ा चार आदमी आता है। अच्छा, एक बोट में चार आदमी, एक एक जन का 10 रुपए करके, तो 40 रुपए, 650 लग जाएगा। राइट, तो आपका मतलब जैसे कि मैंने समझा, बोट का है 600 रुपीज, और पर हेड एक बोट में चार जन आएगा, पर हेड 10 रुपए करके। तो इस हिसाब से हम लोग 3 जन आया, लेकिन 4 जन का ही फेयर देना पड़ा, तो 640 रुपया हुआ। लेकिन ये जर्नी इंक्लूड होगा आपका, इसमें एक बीच में मंदिर है टेंपल, और टेंपल में ले जाएगा, वहाँ पे 10 मिनट रुकेगा, फिर वापस। सो गुड, वेरी गुड, एनीवन कैन एंजॉय दिस जर्नी। और जो बड़ा बोट है, वो जो दिखा रहे थे शेड दिया हुआ, वो सब बोट, वो सब कितना है कॉस्ट? 1250। अच्छा, बोट का 1250। तो 8 आदमी का 10 रुपए करके, 80 रुपया, और 1250, तो 1330 रुपया हुआ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग फाइनली पहुँचे ये असली डेस्टिनेशन, मंदिर के तरफ। एक चीज़ बता दूँ, ये जो लेक है ना, इतना बड़ा आप देख रहे हो, इतना वास्ट एरिया फेवा लेक। ये फेवा लेक करीब जितना लंबाई है, 6 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 किलोमीटर लंबा है फेवा लेक, इतना बड़ा है। चलिए अभी मंदिर दर्शन करते हैं।
जाएंगे डेविड फॉल्स, और उसके बाद एक केव है, केव के पास जाएंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग पृथ्वी बस स्टैंड, वहाँ जाके देखते हैं बस कहाँ कैसे मिलता है लौटने का। इधर चितवन तक जाएंगे, वहाँ से कार बोलेंगे, कार लेके हम लोग को रक्सौल छोड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट बस अगर बीरगंज तक मिलता है वो भी ले लेंगे। गर्मी तो उतना नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी ना के बराबर है, इसलिए गर्मी उतना महसूस नहीं होगा। पृथ्वी छक बोलते हैं मेन लोकल मार्केट एरिया, यहाँ पे अगर किसी सामान का दाम 100 रुपया है तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 300 से 400 रुपया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाए गए जरूर मैं आशा करता हूँ कि आपको काम में लगेगा। चैनल के साथ बने रहिए ऐसा ही और भी शानदार कुछ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।